दोस्तों हमारे पास मोबाइल है सैमसंग J26 और इसमें एफ आर पी लॉक लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह से आप इसकी एफ आर पी को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपको दिखा देते हैं कि इसमें एफ आर पी लॉक लगा हुआ है, और पहले हम इसमें नेट कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जीमेल आईडी मांग रहा है जो इसमें पहले से पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा पहुँचता रहे और आप लोग ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहें। तो यहाँ पे हम एक वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर हम आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं कि इसमें जीमेल अकाउंट मांग रहा है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम इसकी एफ आर पी को अनलॉक कर सकते हैं। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम कर लेंगे नेक्स्ट, एग्री कर देंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकेंड। और कुछ सेकंड वेट करने के बाद हमारे सामने इसमें यहाँ पे नया पेज खुलेगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जीमेल अकाउंट मांग रहा है जो इसमें पहले से पड़ा हुआ था, और हमारे पास वो जीमेल अकाउंट है नहीं, तो इसलिए हमें इसको अनलॉक करना है। तो किस तरह से अनलॉक करना है आप वीडियो कम्प्लीट देखेंगे तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बिना जीमेल अकाउंट के जाएगा नहीं, कोई भी यहाँ पर हम जीमेल आईडी कोई भी डालेंगे तो इस पे ये कनेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली साइन ऑन दिस डिवाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मोबाइल बंद कर लेंगे। यहाँ पे हम आपको जो तरीका बताएं कि आप मिरेकल क्रैक से और मिरेकल बॉक्स से दोनों से आप आसानी से कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे एक क्लिक में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मोबाइल ऑफ हो गया, अब इसके बाद हम इसको ऑडिन मोड पर ले जाएंगे, डाउनलोड मोड पे वॉल्यूम डाउन और होम की, और यहाँ पे हमने कर दिया। और आप लोग देखते हैं यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है, यहाँ पे एफ आर पी लॉक ऑन है, और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल को हमने कनेक्ट कर लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीसी पे, और पीसी पे हम मिरेकल बॉक्स अपना ओपन कर लेंगे। मिरेकल बॉक्स या क्रैक दोनों से हो जाएगा, क्रैक भी आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं मिरेकल बॉक्स के ऑन होने का, और जब मिरेकल बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आपको किस तरह से करना है और कहाँ पे क्या करना है, जिससे कि आप एक क्लिक में आसानी से कर लें, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो ये मिरेकल बॉक्स हमारा ऑन हो रहा है, तो जब तक मिरेकल बॉक्स हमारा ओपन होता है तब तक वेट करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप लोग देख पाएँ, और जो कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग संबंधित वीडियो अपने चैनल पे हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो यहां पे हम वेट करेंगे इसके ऑन होने का, ये नेट से कनेक्ट होता है, नेट मतलब सर्वर पे चलता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। अगर नेट की स्पीड स्लो रहती है तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, अगर आप क्रैक यूज कर रहे हैं तो तुरंत वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने डोंग बॉक्स के ओपन होने का, और जब हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वीडियो को करेंगे स्किप ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हमारा मिरेकल बॉक्स यहाँ पे हो चुका है ओपन, और यहाँ पे मिरेकल बॉक्स हमारा ओपन होने के बाद ये एमटीके पर रहेगा, इसके ऊपर हम इसको क्लिक कर लेंगे सैमसंग पे। यहाँ पर हमें सैमसंग पर क्लिक करना है, और सैमसंग पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्विस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर सर्विस पे हम क्लिक करेंगे, मिस्क पे रहेगा, और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इस पे लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है रीसेट एफ आर पी रीएक्टिवेशन पे, और उसके बाद हमें यहाँ पे कर देना है स्टार्ट बटन पे क्लिक। और जैसे ही हम हमें यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है पोर्ट को, थोड़ा सा हम मोबाइल को फिर से अपने कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसमें ड्राइवर की शायद प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम पोर्ट पर स्कैन करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर शो करेगा ESP मॉडम सैमसंग मोबाइल, और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये डिटेक्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सेकंड में ये एफ आर पी यहाँ पे इस तरह से रिमूव हो जाएगा डन, और उसके बाद मोबाइल हमारा यहाँ पे आप लोग ये हो जाएगा रिस्टार्ट। और मोबाइल रिस्टार्ट होने के बाद फिर एफ आर पी हमारी इसमें से रिमूव हो जाएगी 100%, ये वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, एक क्लिक में आपकी एफ आर पी रिमूव हो जाती है। तो हम आपको इसमें वीडियो में पूरा दिखा देंगे इस फ़ोन को ऑन करके कि एफ आर पी इसमें रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम आप लोग यहाँ पर देख सकें।